नमस्कार। दिन 21। आज हम सीखेंगे एक प्राणायाम जिसका नाम है कपालभाति। भारत में कपालभाति सभी लोग जानते हैं, सभी लोग करते हैं। आज क्या आप सीखने वाले हैं कि कपालभाति में क्या नहीं करना है। पहला, कपालभाति करते समय आपको इनहेल पर ध्यान नहीं देना है, एक्सहेल पर ध्यान दें, इनहेल खुद ब खुद आ जाएगा। फोर्स के साथ जो एब्डोमेन में जो हवा है उसको नाक के थ्रू बाहर करना है। कैसे करना है देख लीजिएगा। उसके पहले बैठना कैसे है, फंस के नहीं बैठना है, बैकबोन को ऐसे नहीं करना है, स्ट्रेट रहना है। ठीक है, ऐसे बैठ सकते हैं। यदि नहीं बैठ पाते हैं तो पंजे को नीचे रख लें। घुटनों में यदि दर्द है तो तकिया लगा सकते हैं। तो देखें कैसे करना है। फोर्स के साथ सांस को बाहर निकालना है। सांस लेने की चिंता ना करें, अपने आप आ जाएगी। शरीर का विधान है कि जब सांस बाहर आती है तो अपने आप इनहेल हो जाता है, तो बिल्कुल चिंता ना करें। दूसरा, कपालभाति के समय कंधों को ना उचकाएं, ये ना करें, ये नहीं करना है, ध्यान रखें। एक और, बैकबोन को ऐसे नहीं करना है, ये नहीं करना है, ध्यान रखें। कपालभाति शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसका अभ्यास सुबह करेंगे तो शरीर को और लाभ होगा। आप स्वस्थ रहें, समृद्ध